हेलो दोस्तों, आई एम मयंक आनंद फ्रॉम आईटी गुवाहाटी एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द बेस्ट टाइम टेबल फॉर जेई 2024, जिससे आप 99% एंड अबव जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में बिल्कुल ला सकते हैं। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हम यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? सबसे पहले तो अर्ली, जो सुबह जल्दी उठते हैं, एंड वो स्टूडेंट्स जो कि लेट तक पढ़ते हैं। तो फर्स्टली आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट जो बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। तो जो भी बच्चे जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हैं, उन्हें 4:30 AM शार्प में तो उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल भी रहेंगे फ्रॉम 7 to 12 AM। तो उसे अगर हमें कैचअप करना है तो हमें पहले उठना ही पड़ेंगे, क्योंकि अब मैक्सिमम 6 months बचे हुए जेई मेन्स के लिए। सो आपको अब हार्डवर्क बिल्कुल करना ही पड़ेगा। देर इज़ नो चॉइस, राइट, कि आप हार्डवर्क नहीं करें, ठीक है? तो हमें 4:30 बजे उठ जाना है, दैट इज़ 4:30 AM, एंड हमें फ्रेश होने में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30 मिनट्स लग ही जाएंगे। तो सो आई हैव रिटन 5 AM to 6:30 AM हमारा इनऑर्गेनिक का सेशन होगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिवाइज द फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूला रिविजन एंड इनऑर्गेनिक हमने हर दिन के लिए रखा है, क्योंकि यही आपको जेई मेन्स में मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है? क्योंकि इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, एंड अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपकी माइंड में फिट है, देन 50 to 60% क्वेश्चन वुड बी डायरेक्टली फ्रॉम फॉर्मूला बेस्ड, राइट? तो आप लोग वहाँ से फटाफट से कर लेंगे, ठीक है? तो मैंने अज्यूम किया है कि आपका स्कूल 7 से 12 AM होता है, ठीक है? ये मैक्सिमम जगह यही होगा, 19-20 कुछ होता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, राइट? देखिए, आपका 7 AM to 12 AM स्कूल रहेगा, एंड अभी आप घबराइए नहीं, अगर आपको डमी स्कूल वाले, देन आई विल बी टेलिंग अबाउट द डमी स्कूल एज वेल, राइट? तो बने रहिए वीडियो पर। तो देखिए, 7 AM to 12 AM हमें स्कूल जाना है, ठीक है? स्कूल में भी ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी वहाँ पढ़ना नहीं है, जितना हो सके हम लास्ट बेंच में बैठ के अपना DPPs या कुछ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? क्योंकि स्कूल के टीचर्स फ्रंट बेंचर्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बैक बेंचर्स में उतना ध्यान नहीं देते, हमें सब पता है। तो आप जितना हो सके अपना वर्कशीट्स ले जाए, लास्ट बेंच में बैठिए, स्कूल में जो टीचर्स लगते हैं कि स्ट्रिक्ट नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली सॉल्व DPPs एंड अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? जिससे हमारा वेस्टेज टाइम का कम से कम हो, क्योंकि अब ओनली 6 months बचे हुए हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी एम्फेसिस किया था कि प्रीवियस ईयर वो भी जेई मेन्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर फाइंडिंग वेरियस बुक्स, आई फाउंड ऑसवाल्ड बुक्स द बेस्ट। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मैं फिजिक्स का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2019 से 2023 के लेटेस्ट पैटर्न पर सारे क्वेश्चन पेज है, राइट? ये आपका देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा शिफ्ट वाइज आपको विद सॉल्व, फुल्ली सॉल्व एग्जाम, फुल्ली सॉल्व आपका प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है? यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस बुक, बिकॉज मैंने इसे अच्छे से देखा तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है, राइट? इसमें एक निमोनिक्स करके एक सेक्शन है, एंड इवन इसमें एनालिसिस भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वेयर वी कैन सी दैट इन फिजिक्स व्हाट आर द चैप्टर्स में कितने सारे क्वेश्चन आए और कौन कौन से शिफ्ट में आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद ही देख लें, एंड आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाए, राइट, कि कौन कौन से चैप्टर्स के कितने इंपॉर्टेंस है, राइट? तो ये बहुत ही अच्छा इसमें मुझको लगा। एंड फाइनली इसमें निमोनिक सेक्शन है बहुत सारा, जो कि डिफिकल्ट चीज़ होता है, बहुत क्यूट क्यूट से आपको यहाँ पर निमोनिक्स दिए, जिससे आपके इजिली फॉर्मूलाज याद हो जाए एंड कॉन्सेप्ट्स भी रिमेंबर हो जाए, ठीक है? एंड फाइनली वी कैन सी द पेपर्स हियर, लाइक 2023 8 अप्रैल शिफ्ट 1, जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस थे, यहाँ बहुत अच्छे से सेक्शन ए बी सी करके बहुत ही अच्छे से आपको सारा कुछ क्वेश्चंस दिए, एकदम रियल पैटर्न पर, जो कि आपके जेई मेंस में आए थे। एंड आफ्टर दैट आपको आंसर की में भी ऐसा नहीं कि बस आपको आंसर दे दिया है, इनमें आपको यही बताया कि ये कौन से चैप्टर से पूछा गया था क्वेश्चंस, इवन टॉपिक वाइज। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि अगर मेरा यूनिट एंड डायमेंशंस वीक है और हमें पता नहीं चलेगा यार कौन सा सेक्शन वीक है, सो हियर वी कैन सी दैट एरर पार्ट इज माय वीक चैप्टर, वीक टॉपिक। तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर लगा, जो कि मैंने डिफरेंट बुक्स में नहीं पाया। सो फॉर परचेजिंग दिस बुक यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विच आई प्रोवाइडेड इन माय डिस्क्रिप्शन, ठीक है? आप वहां से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप इसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप 2024 में ओनली 6 months है, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए। चैप्टर वाइज तो हम करेंगे ही, पर पेपर्स भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें वीकेंड्स में लगाना है। सो नाउ लेट्स मूव टू द टाइम टेबल व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो हमारा 7 to 12 PM हमारा स्कूल ओवर हो जाएगा, राइट? तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स, इवन 30 मिनट्स भी लग जाएगा घर पहुँचने में, रिलेटिवली आपका डिस्टेंस कैसा है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोला कि 30 मिनट्स भी लगता है, तो आपको 10 से 15 मिनट में आप फटाफट से अपना घर में लंच कर लीजिएगा, क्योंकि लंच तो बना रहेगा, आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो मैं आई हैव अज्यूम दैट 12:45 PM से 2 PM, ठीक है, आपको सोना है, क्योंकि आपने जल्दी सुबह उठा है, तो आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न को सही रखने के लिए एटलीस्ट 5 to 6 hours की स्लीप चाहिए। तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें दोपहर में सोना होगा 12:45 to 2 PM, राइट? जैसे कि हमने सो के उठा, तो जो भी 2:15 से 3:45 PM हो गया, जो भी हमारे कोचिंग में पढ़ाए जाएंगे, लास्ट डे का हमें रिवाइज करना है, ठीक है? तो वही मैंने लिखा है कि 12:15 PM to 3:45 PM वी हैव टू रिवाइज द कोचिंग स्टफ्स। आफ्टर दैट मेजॉरिटी कोचिंग्स आपका 4 PM से स्टार्ट होती है, तो वही मैंने अज्यूम किया 4 PM to 8 PM आपका कोचिंग क्लास होगा, तो उसमें तो आपको डेफिनेटली क्लासेस करने, उसका तो कोई उपाय नहीं है कि आपको छोड़ना होगा, राइट? बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग में आजकल 8 के जगह 9:30 तक भी चल जाते हैं, तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा, 1 hour ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है?
सो मैंने अज्यूम किया था कि 8 PM तक आपका कोचिंग चला, देन 8 to 9:15 PM आपको डिनर करना है एंड चिल करना है, क्योंकि आपने सुबह से बहुत आपका हेक्टिक शेड्यूल था, स्कूल गए देन आए देन कोचिंग गए देन रिवाइज किया, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. सो यू नीड टू चिल आउट राइट विथ योर फैमिली मेम्बर्स और यू कैन इवन टॉक टू योर फ्रेंड्स. बस यस, फ्रेंड्स आपको टॉक्सिक फ्रेंड्स से बिल्कुल ही दूर रहना, ठीक है, क्योंकि अब बस 6 महीने बचे हैं, यू नॉट नीड टू वेस्ट एनी ऑफ योर टाइम, राइट. तो जैसे कि हमने 9:15 तक ब्रेक लिया, सो फ्रॉम 9:30 PM टू 11:45 PM हमें जो भी आज पढ़ाया गया, क्लास नोट्स, DPP सॉल्व करना है एंड रिवाइज करना है, राइट. जिससे कि हमारा 11:45 तक आज का हमारा पढ़ाई यहीं पर खत्म होता है, देन वी विल स्लीप फ्रॉम 12 AM टू 4:30 AM, ठीक है, फिर हम सो जाएंगे क्योंकि हमें जल्दी उठना है, राइट. तो अगर हम ऐसे काउंट करें तो हमारा टोटल स्लीप होता है, देखिए, रात से 12 से 4:30 बजे तक तो 4:30, एंड सुबह जो आपने लंच के बाद सोया, ठीक है, तो वहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 5 hours 45 मिनट हो रहे हैं, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली 6 hours, यानी कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न एकदम बेस्ट है, ठीक है. एंड वॉट इज द अमाउंट ऑफ सेल्फ स्टडी वी आर डूइंग, तो वो मैंने कैलकुलेट किया, तो 5 hours 15 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 5 hours आ रहा है, विच इज़ वेरी नाइस, ठीक है. इसमें मैंने कोचिंग में जो हम पढ़ रहे हैं उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, इट इज़ टोटली सेल्फ स्टडी, राइट. सो दैट इज़ 5 hours, तो हमने 5 hours की सेल्फ स्टडी की, 6 hours की स्लीप ली, एंड हमने सारे कोचिंग क्लासेस किए, इवन वी हैव वेंट टू द स्कूल. तो ये हमारा फुल्ली फ्लेजर्ड एकदम फुल प्रूफ प्लान है फॉर J2024, राइट. आपने बस इसे ब्लाइंडली फॉलो करना है, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए जो मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ उन्हें बस आप फॉलो करिए. आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू डैट यू विल गेट 99 एंड अबव. एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट्स है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल, वेयर यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन आस्क योर पर्सनल डाउट्स. अब जैसे कि हमने अर्ली वेकअप वाले बच्चों के लिए तो बात कर ली, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रात उल्लू की तरह जगते हैं, तो उन लोगों के लिए हमें क्या करना है, देखिए, पूरा आपका टाइम टेबल ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, जो कि हमने 4:30 AM में उठ रहे हैं, नाउ यू नीड टू वेक अप एट 6:30 AM, राइट. क्योंकि आप लेट तक पढ़ रहे तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं कि आप 4:30 बजे उठ पाएंगे, देन यू नीड टू वेक अप एट 6:30 AM, ठीक है. एंड आपको जो भी सोने का है वो आपको बस जो हमने इनऑर्गेनिक एंड फॉर्मूला रिविजन सुबह किया था 4:30 to 6:30, दैट इज 5 to 6:30 AM, उन्हीं को हमें रात में बस करना, राइट, 12 to 2. तो 2 घंटा हमें रात में इनऑर्गेनिक एंड फॉर्मूला रिविजन करना है. ये इसमें मैं बहुत इंफेसिस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेंस में आपको पक्का श्योर शॉट 100% गारंटीड आपको मार्क्स दिलाएंगे, राइट, ठीक है. तो आपको बस यही शिफ्ट करना है कि आपको 6:30 AM में उठना है एंड 2 AM में सो जाना, राइट, ओके. एंड नाउ फॉर डमी स्कूल, देखिए, डमी स्कूल अगर आप है, कोटा के मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो डमी स्कूल में होंगे, तो उन्हें बस क्या करना है कि जो हम समय अपना 7 AM to 12 PM जो हम स्कूल जा रहे थे उसमें आपको सेल्फ स्टडी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड शाम को हो सके तो 1 से 1.5 घंटा आप वॉक में जाए या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, क्योंकि डमी स्कूल में आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, ज़्यादा लोग से मिलजुल नहीं रहे, तो ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है कि आप थोड़े से स्ट्रेसफुल एंड थोड़े से लेथार्जिक हो जाएंगे. सो टू रिमूव दैट लेथार्जिक यू नीड टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, तो आप योगा कर सकते हैं या फिर कुछ भी आप PT कर सकते हैं, ठीक है. आप निकल जाइए रोड में, कोई आपके दोस्त नहीं है तो, अगर दोस्त है देन यू कैन डेफिनेटली प्ले लाइट गेम्स, राइट, क्रिकेट खेल सकते हैं 1-1.5 घंटा के लिए, ठीक है, जिससे आपका फ्रेशनेस बने रहे, राइट. तो ये था परफेक्ट टाइम टेबल फॉर J2024. ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड डिटेल कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपको जो भी डाउट्स हो यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है, जिससे मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर कर सकूँ. एंड आपको कोई भी पर्सनल डाउट्स है या फिर कोई भी एकेडमिक रिलेटेड डाउट्स है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, राइट. तो चलिए आज हम यहाँ समाप्त करते हैं, ऐसे ही मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ. टिल देन सी या, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए.